छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिका भिलाई का 25वां अधिवेशन भिलाई में संपन्न हुआ। अधिवेशन में उपस्थित पदाधिकारियों ने शासन को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के नगर निगम भिलाई प्रकोष्ठ का 25वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष अपनी टीम के साथ शामिल हुए। नगर निगम भिलाई प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने अपने प्रांत अध्यक्ष को 16 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा, जिसमें कर्मचारियों के वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों के मद्देनजर मांगे रखी गई हैं और आग्रह किया गया है कि 16 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास किया जाए। साथ ही इस सम्मेलन में मांगे पूरी न होने की स्थिति में आगे आंदोलन करने को लेकर भी सहमति बनी है। आज 18 तारीख को जो ये संपन्न हुआ अगस्त में कॉफी हाउस में छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर निगम भिलाई का 25वां जो कार्यक्रम हुआ अधिवेशन, उसमें हमारे प्रांत के कार्यकारिणी के प्रांताध्यक्ष महोदय और पूरी बॉडी आई। हम लोगों ने जो है 16 सूत्री मांगों को जो निगम स्तर की हैं और राज्य शासन स्तर की भी, वो हमने एक पत्र बना करके जो है ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमने प्रांताध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को दिया। और उसमें नियमितीकरण को लेकर के जो दैनिक वित्तीय के कर्मचारी है जो नियमित जिनको किया जाना है वो, और पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना और ट्रेजरी पेमेंट किया जाना नगर निगम में सीधा, और इसी प्रकार से पदोन्नति है, नवीन पद संरचना है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के निगम भिलाई प्रकोष्ठ ने अपनी मांगों का मांग पत्र अपने प्रांत अध्यक्ष को सौंप दिया है। देखना होगा कि इस मांग पत्रों में की गई मांगे सीधे सीधे पूरी हो जाती हैं या फिर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस को अपनी जायज मांगों के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।